पिज्जा खाया भाई कभी आपने? पिज्जा में ना एक बहुत खास बात है, पिज्जा आप जितना खाओगे, खाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर अगर आपके सामने किसी ने पिज्जा रख दिया है ना, तब जो खाया हुआ होगा ना उसकी भी उल्टी हो जाएगी। और लड़कियों के मामले में आप वही हो, लड़की आपसे अटेंशन चाहती होती है, लेकिन जब आप उसे बड़ा भड़ खूब सारा दे धपा दप अटेंशन देते जाते हो ना, फिर आप भाई साहब बोरिंग हो गई होगे। और यही गलते 99.999% लौंडे करते हैं और बाद में रोते हैं कि बैंचोद पहले लड़की इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी, मुझे लगा यही मेरे से शादी करेगी और अब तो भाई रिप्लाई भी नहीं करती। सबकी कहानी बैंचोद यही है, मेरे साथ भी हुआ है और भाई मैंने अपने एक्सपीरियंस एनालिसिस के बाद आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा क्या करें कि लड़की ना भाई आपसे एक्चुअली कभी बोर ना हो। जो भी बात बोल रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज लड़कियों को ये वीडियो मत शेयर करना, नहीं तो भाई मेरे घर के नीचे भीड़ लग जाएगी लड़कियों की गुलाब देने के लिए नहीं, जूते मारने के लिए। तो प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और सही तरह से इस्तेमाल करिए। मैं आज लिटरली आपके हाथ में ना भाई हथियार देने वाला हूँ जंग के, बस सही से इस्तेमाल करना भाई आपको आना चाहिए। बाकी आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो भाई आप जब भी किसी अति खूबसूरत नारी से मिलोगे तो आपका हमेशा मन करेगा कि मैं 2400 घंटे भाई इससे बात करता रहूं, क्योंकि उससे बात करने पे ना आपके ब्रेन को एक अलग ही नशा महसूस होता है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द एक तो उस लड़की से एडिक्ट हो जाते हो, ऊपर से बस आपका मन करता है बात करता जाऊं, क्योंकि जब भी उसका रिप्लाई आता है आपको लगता है हाँ। और भाई ये सबकी कहानी है, लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो कि जब भी आप लड़की को कूट कूट के अटेंशन दोगे वो उतना आपसे दूर होती जा रही है, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ। तो हमेशा पूरा अटेंशन एक साथ मत दो, हल्की डोज दो अटेंशन की। एक साल का खाना एक साथ अगर लड़की को खिला दोगे तो उसे उस खाने से नफरत हो जाएगी, लेकिन डेली अगर थोड़ा दोगे ना भाई तो उसको आदत लग जाएगी। इसीलिए सबसे पहले तो भाई लड़की को पूरा टाइम अभी भी मैसेजिंग पे मत लगे रहो, मत करो बार-बार मैसेज, पूरा दिन मत करो। अंदर से मन करेगा कि नहीं भाई कर ही देता हूं, वो भी तो करना चाहती है, बट फिर भी पूरा दिन मैसेज मत करना ब्रो, बहुत कम करना। दोपहर में 12 बजे चलो 10 मिनट बात कर ली, 10 मिनट भी भाई बहुत होता है वैसे, 2 मिनट बात कर ली, 3 बजे 2 मिनट बात कर ली, 6 बजे 2 मिनट बात कर ली, 9 बजे 2 मिनट बात कर ली, 12 बजे 2 मिनट बात कर ली। खैर मैं तो ये भी आपको एडवाइस नहीं करूँगा, मैं आपको सिंपली बोलूँगा कि रात को भाई सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट, दैट इज ऑल। वो भी डेली बात नहीं करनी है, डेली बात करोगे तो भाई पक्का 100% फ्रेंड जोन में घुसोगे, 100%। लड़की को ये तक नहीं पता होना चाहिए कि आप इस समय क्या कर रहे हो। मैंने लॉन्डो को देखा है, अपने आप पूरा बायोडेटा दे देते हैं, इस समय मैं उठता हूँ, इस समय मैं हकता हूँ, इस समय मैं मुड़ता हूँ, इस समय खाता हूँ, इस समय नहाता हूँ, इस समय बाल चेट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लड़की को भाई सब पता होता है, इसीलिए आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो और आप इतने बोरिंग लगने लगते हो ना भाई कि बात ही आपकी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ना ही लड़की को अपना रूटीन बताओ और ना ही लड़की को अपना रूटीन बना, रोज कॉल या मैसेज भी मत करो। और आपका जो अटेंशन है ना उसको आप एक ट्रॉफी की तरह बचा के रखो कि जब वो आपसे कंफर्म हो जाएगी ना भाई तब आप उसको वो ट्रॉफी उठा के दोगे, तब जाके उसको वो अटेंशन मिलेगा, लेकिन पहले उसको आपसे प्यार करना पड़ेगा। और जब आप लिमिट में उससे बात करोगे ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, तो भाई हमेशा जब भी आपको उसका मैसेज आएगा ना उस लड़की को लिटरली एक्साइटमेंट फील होगी, उस लड़की को हर बार हैप्पीनेस का हार्मोन अपने आप ट्रिगर होगा जब आप उसको कभी कभी बहुत बहुत देर बाद मैसेज करोगे। आपको बेसिकली लड़की को बहुत टाइम तक कंफ्यूज रखना होता है कि आप उसे पसंद करते हो कि नहीं। अगर लड़की को जल्दी पता चल गया ना कि आप उसे पसंद करते हो और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, जो कि आप हो, तो भाई पक्का आपका गेम ओवर है। इसीलिए उसको कंफ्यूज रखो, कभी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ कभी कम इंटरेस्ट दिखाओ, इसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड प्ले। उस लड़की को लिटरली ऐसा फील होना चाहिए कि आपकी लाइफ इतनी बड़ी है और वो इतना छोटा सा हिस्सा है आपकी लाइफ की, तभी वो आपकी इतनी बड़ी लाइफ का हिस्सा बनना चाहेगी। और गलती क्या करते हैं लौंडे, उस लड़की को ही अपनी पूरी लाइफ बना लेते हैं और यहाँ पे साइड में छोटी सी अपनी लाइफ बचती है, तब भाई कैसे फटेगी यार लौंडिया।
और उसको अगर आप अपनी लाइफ का छोटा सा हिस्सा बनाना चाहते हो ना, तो अपनी इतनी बड़ी लाइफ में उसके अलावा उस लड़की को ठीक से पता होना चाहिए कि आपकी है और दो तीन लड़कियां जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं। इससे आपका वैल्यू बढ़ेगा और आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी भाई, क्योंकि उस लड़की को पता होगा कि अगर मैंने इसे जरा सा भी अटेंशन नहीं दिया या मैंने थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया तो ये दो मिनट नहीं लगेगा दूसरी लड़की इसको मिल जाएगी। ये तो चूतिया खुश रहेगा, लेकिन लड़की अकेले आपके इंतजार का मैसेज करती रहेगी। तो बेसिकली आपको ना ये नहीं करना है, उस लड़की के दिमाग में फियर ऑफ अबैंडनमेंट नहीं लाना है, या लाना है मुझे नहीं पता। तो अगर आप किसी लड़की के दिमाग में फियर ऑफ अबैंडनमेंट या फियर ऑफ रिप्लेसमेंट ले आओ ना, जो आपको नहीं लाना है, क्योंकि मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा कि अगर किसी इंसान को ऐसा लगेगा ना कि अगर मैंने इससे बात नहीं की तो ये मुझे दो मिनट में रिप्लेस करके दूसरा पकड़ लेगा और लिटरली मुझे ऐसा फील होगा कि इसने मुझे छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, तो हर इंसान को आपकी लत लगी रहेगी और ये मत करना। जब भी लड़की कोई सवाल पूछे सीधा सीधा कभी भी मत जवाब देना, उल्टा उसको सामने से वापस क्वेश्चन पूछ लेना कोई और। जब भी लड़की आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे 10 में से बस 2 बार उस क्वेश्चन का सही जवाब देना, 8 बार वापस क्वेश्चन छोड़ देना या उसी क्वेश्चन से फन उड़ा के गेम ओवर कर देना, जोक बना देना, बट क्वेश्चंस को रिप्लाई मत करना भाई। आप सच में बहुत जल्दी प्रेडिक्टेबल हो जाओगे और लड़की आपके अंदर पूरा पूरा इंटरेस्ट खो देगी। और उस लड़की को वो चीजें अगर आपने दिखानी शुरू कर दी ना, और अगर आप लड़कियों को बातों बातों में ऐसी चीजें बताओ ना जो उन्होंने कभी सुनी भी ना हो, सोचा भी ना हो ऐसा, तो ब्रो मैं लिटरली बता रहा हूँ हर लड़की आप में इंटरेस्ट ले ले। मतलब लिटरली लड़की को कोई ऐसी चीज बता दो या किसी चीज को देखने का ऐसा नजरिया दिखा दो कि लड़की बोले यू आर सो स्मार्ट। ब्रो अगर आपने ये कर लिया ना भाई, इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करते रहो, सिर्फ लड़कियों के पीछे मत भागो। तो बेसिकली आपको ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनना है, आपको ऐसी एक ट्रॉफी बननी है, एक ऐसा प्राइज बनना है जिसे लड़की हमेशा पाना चाहे और कभी ना पा सके। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के भेजे में आधी चीज शायद घुस भी ना रही हो, इसीलिए आप ये चीज खुद ट्राई कर लेना। मतलब लड़कियों को इतनी आदत पड़ चुकी है कि लौंडे उनके पीछे भाग रहे हैं कि उन्हें किसी लड़के के पीछे भागने का मौका ही नहीं मिलता। लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि भाई अगर वो किसी लड़के के पीछे भागे ना तो वो लड़का 2 मिनट में अपने हथियार डाल के बोल देता है हाँ हाँ मैं हूं ना तुम्हारा। ब्रो ऐसा मत करो, मैं सही बता रहा हूं, आपको लड़की के लिए अलग नहीं दिखना होता है, आपको लड़की को अलग फील कराना होता है। और अगर आपने लड़की को अलग फील कराने में सक्सेसफुल हो गए ब्रो, और कुछ नहीं है, बहुत इजी गेम है। बस अपने इमोशंस के बारे में कभी भी मत बात करना, चाहे लड़की अपने एक्स के लिए रो रही हो, फोन काट देना, बोलना मुझे बात ही नहीं करनी, और अपनी भी किसी पुराने सैड इमोशंस की बात मत करना। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अगर लड़की आपसे सेक्सुअली या फिजिकली अट्रैक्टेड हो तो आपको कभी भी कोई दूसरा इमोशन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं प्रकट करना चाहिए, नहीं तो लड़की क्या करती है, आपको अपना इमोशनल डंप समझने लगती है, ठीक है, कूड़ा दान, जिसकी वजह से आपका पूरा अट्रैक्शन तो पक्का खो जाएगा। और ये चीज सिर्फ तब होगी जब लड़की को पता होगा कि आप उससे कम बात करते हो। कहीं जा रहे हो तो ये भी मत बताओ कहां जा रहे हो, बस चले जाओ, नहीं तो आप तो जैसे अपनी मम्मी को रिपोर्ट करते हैं वैसे कल किया ही लड़की को सब इंफॉर्मेशन देते हो, भाई प्लीज मुझे पता है आपको बात करनी बहुत अच्छी लगती है बट इतनी बात नहीं करते हैं। क्योंकि ना ब्रो ये जो दूरी, दो मैग्नेट होते हैं, ठीक है, दो मैग्नेट कब खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, जब वो एक दूसरे से दूर होंगे, पास में होंगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा, दोनों डेड होंगे, लेकिन दूर होंगे ना तभी खींचेगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना ब्रो, ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बिल्ड करता है, और डिस्टेंस की वजह से लड़की के दिमाग में ना बहुत क्यूरियोसिटी फील होती है, और क्यूरियोसिटी से ज्यादा सिडक्टिव इस दुनिया में शायद ही कोई चीज है। तो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो लड़की को आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर देती है। और लड़की आपके बारे में कब सोचेगी, जब आप वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर आप 24 घंटे चुंबक की तरह चिपक के रखोगे तो मतलब लिटरली लड़की आपको अवॉइड सा करने लगेगी। और अगर आप गलती से लड़कियों को बार बार ये बता देते हो कि यार पास्ट में एक लड़की थी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे डंप कर दिया था, और ये चीज आप इसीलिए करते हो ताकि ये जो नई लड़की आई है ये सेम उस तरह से बिहेव ना करे। और अगर आप गलती से किसी भी लड़की को ये चीजें बोलते हो ना कि यार इस लड़की ने तो मेरे साथ इतना बुरा किया था, इस लड़की ने मुझे डंप कर दिया था, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और कई लड़के ये चीज पता है बस इसीलिए करते हैं ताकि जो नई लड़की आई है वो ये सब
सब सुन के आपके साथ ये चीज ना करे, इस एश्योरिटी के डर से आप उसको ये सब चीजें बोलते हो और आपका अट्रैक्शन खत्म। तो इसीलिए कम बोलो, जितना जरूरी है उससे भी कम बोलो। लड़की नहीं चाहती कि वो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी बने, लड़की खुद चाहती है कि आप उसे तीसरी या चौथी पोजीशन पे रखो। मेरी बात का विश्वास करना, लड़की को जैसी समझ में आ गया ना कि आप उसे फर्स्ट नंबर पे रखते हो, भाई वो लड़की आपको बहुत जल्दी छोड़ के चली जाएगी। ये चीज तो ब्रो मतलब सोने के अक्षरों में लिख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो दूसरे लड़के हैं ना उनसे बिल्कुल अलग बिहेव करो। जब लड़की से बात कर रहे हो या उससे मिल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सोचो कि अगर आपकी जगह कोई चूतिया लड़का होता वो तो ये करता, हाय हेलो यस थैंक यू सो मच आई लव यू सॉरी। लेकिन आप उसकी तरह नहीं बनना है दूसरे लड़के की तरह, तो आप एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट तरीका अपने आप आजमाने लगोगे। और डिफरेंट और यूनिक से ज्यादा सेक्सी और कुछ नहीं लगता भाई। इसीलिए लड़कियों को नॉर्मल लड़के भी नहीं पसंद आते हैं। लड़की से बात नहीं करनी आती है यार, बात करना मतलब ये थोड़ी ना कि आप फ्लर्ट करते रहोगे, बात करना मतलब आपको एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन लड़की के साथ बिल्ड करना आना चाहिए। कब? जब आप असली में मिल रहे हो। जेन्युइन कॉन्वर्सेशन मतलब आप बस उससे सवाल पूछो। लड़की ना प्रॉब्लम बता रही है ना, उसको सॉल्व भी मत करो, आप बस उसकी प्रॉब्लम सुन लो। उसको आपसे अच्छा कोई नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभार सुनो, हमेशा मत सुनना। और अपने पास भी कुछ स्टोरीज रखो, मतलब लिटरली प्रैक्टिस कर लो कि मैं ऐसे ऐसे कहानी सुनाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो 2-3 कहानियां भी रट सकते हो, अच्छी से बताना सीख लो। आपका कॉन्वर्सेशन का गेम यहाँ पे खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। बस उसको ये मत फील होने देना कि अब वो लड़की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। मैं सच बता रहा हूँ, आज की जनरेशन की लड़कियों को आप ऐसा नहीं फील करने दे सकते, नहीं तो वो ऐसे लड़के को तुरंत ढूंढ लेगी जो उन्हें स्पेशल फील नहीं कराएगा। क्योंकि लड़कियों को ना रोलर कोस्टर जैसे जो इमोशंस आते हैं ना, कभी सैड, कभी हैप्पी, कभी एक्साइटेड, कभी सरप्राइज्ड, कभी डिप्रेस नहीं बोलना चाहिए, मतलब डिप्रेस मतलब मैं सैड को ही बोल रहा था, कभी थोड़ा सा लो, हाय ब्रो, ये सब चीजें ना एक्चुअली इंसान को फील होता है, लड़की को, कि वो आपके साथ रह रही है तो उसे जिंदा फील हो रहा है। अगर लड़की को सिर्फ सेम तरह से फील होगा ना कि प्यार 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 प्यार, भाव 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 भाव, बस ये एकदम ही चूतिया लगता है, एकदम बोर हो जाती है लड़की, तो ब्रो थोड़ा सा उसे इमोशंस दो। सैड मत कराओ मैं बोल रहा हूँ, बट कभी उसे सरप्राइज करो, कभी हल्का फुल्का एक्साइटमेंट, मतलब लिटरली बस ऐसी चीज करो जो वो एक्सेप्ट ना करे और उसे चैलेंजिंग लगे। और इंस्टाग्राम वाले जो लॉन्डे है भाई, तुम लोग तो ब्रो प्लीज डेली फोटो वीडियो स्टोरी अपलोड करना बंद करो। मतलब मैं करता हूँ, मेरी बात अलग है, बट तो मैं तुम लोगों के लिए ही करता हूँ, बट डेली स्टोरियां वोरियां ब्रो मत डालो। लड़की को इतना भी नहीं पता होना चाहिए कि आप रोज इंस्टाग्राम पे रहते हो और पूरा टाइम रहते हो, ब्रो इससे बड़ा बेकार चीज और कुछ नहीं है। वैलिडेटिंग क्वेश्चन जैसे, तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम मुझसे बात तो करोगी ना, तुम मुझसे मिलने तो आओगी, नहीं मिलने वाला इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछते रहना। अदरवाइज बाकी चीजें जैसे, क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ, क्या तुम मुझे ऐसा लड़का समझती हो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने लायक हो, तो ब्रो ऐसे क्वेश्चंस लड़की को कभी भी मत पूछना। और लड़की को कभी भी ये मत फील होने देना कि वो लड़की आपसे ज्यादा स्मार्ट है। मैं सच बता रहा हूँ, मत फील होने देना। अभी मुझे लड़कियां भी देख रही होंगी तो गाली दे रही होंगी, बट इस चीज से लड़कियां भी इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द ट्रुथ। इसीलिए बोलता हूँ, अपनी लाइफ में ना भाई प्रोग्रेसिव रहो, करियर वाइज अपने पैशन को अपनी प्रायोरिटी दो। उस लड़की को लगना चाहिए कि ये लौंडा हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और वो लड़की अपने आप आपसे चिपक जाएगी। बस एक चीज कभी भी मत भूलना कि लड़की को हमेशा लगना चाहिए कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो इज्जत आप खुद की करते हो, उतनी इज्जत आप किसी की नहीं करते हो, एक्सेप्ट देर आर एक्सेप्शन लाइक योर पेरेंट्स, बट आप खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुद से ज्यादा वैल्यूएबल किसी को नहीं समझते हो। कोई भी इंसान आपके सामने झाड़ भर की भी बकचोदी करेगा तो आप उसको लिटरली डंप कर दोगे। तो लड़की आपके सामने कोई भी लॉर्ड लेसन पाओ करेगी, तो ये मैंने क्या बोला अभी, तो आप उस लड़की को साइड में करके आपको वॉक अवे, उससे दूर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये डर लड़की के दिमाग में होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज कभी मत करना। इसीलिए बोल रहा हूँ, लड़की को कभी भी पेडिस्टलाइज मत करो कि आप महारानी हो, आप मेरे से ऊपर हो, आपसे अच्छी और कोई नहीं, ये मत करना। इक्वल फील कराओ या नीचे मत फील कराओ, नहीं तो लड़की आपके पीछे नहीं भागने वाली है। मैसेजिंग कर रहे हो तो कभी भी लास्ट मत बनो रिप्लाई करने के लिए, मतलब मत करो ब्रो, मतलब सच बता रहा हूँ भाई, लड़की ने गुड नाइट बोल दिया ना तो उसको वापस गुड नाइट भी मत बोलो, सच बता रहा हूँ ब्रो। यही छोटी छोटी चीजें हैं भाई जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक और सड़ी हुई हैं, बट ब्रो मैं क्या करूं, आजकल चलता
अच्छाई ये है मार्केट में ब्रो। लाइक सोशल मीडिया ने सब ऐसा बदल दिया है ना कि अच्छाई का जमाना नहीं है भाई। ठीक है, लोग बोलते हैं धंधे में अच्छाई नहीं है, लेकिन ब्रो ये जो धंधा है ना ब्रो, डेटिंग कल्चर, यहाँ भी कोई भी सच्चाई अच्छाई का टाइम नहीं है। आप अच्छे बन जाओ, आपके आप खुद की गाड़ पे लात मार दोगे, अकेले कमरे में साइड में बैठ के वहां पे रोगे कि भाई मैं क्यों अच्छा था, शायद मेरी कहानी है ये। बस आपको आजकल ना ऐसे बिहेव करना होता है कि लड़की ही आपके पीछे पड़ी है। आप स्टार्टिंग से ऐसा बिहेव करो, जो मैंने बोला वो चीजें करो भाई, लड़की एक्चुअली आपको चेज करने लगेगी, आपके पीछे भागने लगेगी। मतलब सच बता रहा हूं, ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल भी नीडी मत बनो, ज्यादा केयर मत करो, ज्यादा शेयर मत करो लड़की से अपनी बातें, अपने इमोशन सच में मत दिखाओ, किसी चीज के बारे में रो के कंप्लेन मत करो। बिल्कुल भी इमैच्योरिटी से आप बिहेव नहीं कर सकते, नहीं तो आपका पत्ता कट कट मतलब कट। मुझे नहीं पता मुझे ऐसी ट्रेनिंग क्यों देनी पड़ रही है, जबकि मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पूरे दिल से प्यार करिए, करते रहिए। लड़की अगर अभी नहीं पट रही होगी आपसे, तो बहुत टाइम बाद आपकी हो ही जाएगी, आपका सच्चा प्यार देख के, ये देख के कि आप कितने समय तक उसके लिए रुके रहे और आपने दूसरी लड़की को देखा भी नहीं। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, मैं क्या करूँ। बस तो भाई आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ कि किसी भी लड़की से, नई लड़की से बात कैसे स्टार्ट करनी है, ये वीडियो देख लेना। और यहाँ पे भी एक काम का वीडियो लगा रहा हूँ, वो भी देख लेना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, लेकिन भाई जाने से पहले ब्रो ये देखो कैसी हालत हो जाती है, इसीलिए बोल रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरा प्रोत्साहन दो मुझे ये सब बकचोदियां और करने के लिए। मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय ब्रो, लव यू लव यू लव यू।